नमस्ते ब्रजाचारी वीडियो, आपका स्वागत है। आज भाई मोस्ट पॉपुलर कार के सामने खड़े हुए हैं जो एसयूवी के मामले में झंडे गाड़े हुए बैठी हुई है। झंडे कैसे बता देता हूं आपको। पहले ये वाली गाड़ी भाई तीसरे चौथे नंबर पे आती थी, लेकिन आज के टाइम पे नेक्सॉन, वेन्यू और सोनेट के मामले में भी भाई ये टॉप नंबर पे आ चुकी है, जिसका नाम है मारुति सुजुकी ब्रेजा। ये जो ब्रेजा है ना भाई, सेकेंड जनरेशन वेरियंट आप देखें, टॉप मॉडल है ZXi प्लस। मैंने आपको VXi का दिखा दिया, ZXi का दिखा दिया, LXi का दिखा दिया, तीनों वेरियंट दिखा दिए। लास्ट वेरियंट रह गया था ZXi प्लस। सामने से दिखाता हूँ आपको, सामने से कहती है ये आपको मिलती है DRL सामने से, L शेप में मिलती है, नौ की नॉर्मल टाइप की नहीं मिलती, मैट्रिक वाली है। आपको दिखाऊंगा एक बार DRL। नीचे मिलते हैं आपको फॉलाइट, LED में पूरा सेटअप मिलता है इसका, टोटल ही LED सेटअप मिलता है इसका, टोटल LED सेटअप। दिखाता हूँ आपको जला के एक बार, कैसी मिलती हैं कैसी नहीं मिलती। आप एक बार जलते हुए लाइट भाई, लाइट के मामले में ब्रेजा ने भाई पहले से अपनी वो बना रखी छवि। देखो ये अपना लो बीम, ये अपना हाई बीम, फोर चैम्बर इसके अंदर दिए गए, फोर चैम्बर इसके अंदर दिए गए, ये भी आप देख सकते हो, फोर चैम्बर इसमें, फोर चैम्बर इसमें। ये आपको LED टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं यहाँ पे, और ये अपने यहाँ पे LED DRL मिल जाती है। ये लाइट जलते समय लेकिन डिम हो जाते हैं, ये अपने को फॉलाइट मिल जाती है यहाँ पे, ये भी LED मिलती है, काफ़ी अच्छी बात है। चलो भाई यहाँ से पूरी कहानी हो चुकी है, अच्छी बात है। यहाँ आपको क्रोम इंसर्ट मिल जाता है दो यू टाइप का, पहले इसमें सिग्नेचर टाइप का आता था, इसके अंदर कैमरा भी आ जाता है भाई, ये वाला कैमरा आता है 360 कैमरा इसके अंदर आ जाता है। नंबर प्लेट के लिए आपको नंबर प्लेट मिल जाती है भाई, टेमो का रहा तो आप भी समझ सकते हो, ये अच्छी भाई। ब्रेजा ने ना सेगमेंट में काफ़ी अच्छी पकड़ भाई, 4 मीटर की सेगमेंट की गाड़ी है, 4 मीटर के अंदर अंदर आती, 4 मीटर के अंदर भाई काफ़ी अच्छा स्पेस दे देती, काफ़ी अच्छा व्हील बेस दे देती है। व्हील बेस पूरी डायमेंशन आपको डिस्प्ले पे शो हो जाएगी, एक बार आप डिस्प्ले पे चेक कर लेना। पहला साइड की बात हो गई अपनी, टायर साइज की बात करते हैं। 16 इंची की आपको डायमंड कट अलॉय व्हील मिलते हैं, बेस मॉडल से ही टॉप मॉडल आपको सेम साइज मिलता है इसके अंदर, 16 इंची का इसके अंदर R85/75/16 का इसके अंदर टायर मिलता है। ये भी का पीछे सुजुकी का लोबो इसके अंदर दिया, सस्पेंशन आपको ऐसे मिलता है, क्लाडिंग आपको ब्लैक कलर की मिल जाती है, काफ़ी अच्छी बात है। ORVM टर्न इंडिकेटर, 360 कैमरा, ये भी आप देख सकते हो कैमरा इसके अंदर, टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ मिल जाता है, बढ़िया। देखो भाई शानदार है, रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाते हैं दो वॉशर के साथ, कर्व बोनट पर मिल जाता है, सेंसिंग आपको वहाँ मिल जाते हैं, और इसके अंदर रूफ रेल और सनरूफ इसके अंदर मिल जाता है। सनरूफ जो रूफ रेल आपको सिल्वर कलर की इसके अंदर मिलती है। आइए फीचर्स दिखाता हूँ, फीचर्स आपको ऐसा मिलता है, ये अच्छी बात है। ये भाई ब्रेजा का पीछे का लुक, ब्रेजा का पीछे का लुक, ब्रेजा सुजुकी का लोबो, रियर वाइपर एंड डिफॉगर, टेल लाइट LED में मिलेगी आपको, ना कि हेलोजन मिलती है, ब्रेजा की बड़ी बैजिंग, और 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्मार्ट हाइब्रिड के साथ ये वाली आ जाती है। बूट स्पेस खोलते हैं, ये इसका कैमरा थर्ड वाला, सेकंड पीछे वाला रियर पार्किंग कैमरा। बूट स्पेस आपको 358 लीटर इसके अंदर मिल जाती है, काफ़ी अच्छी बूट स्पेस इसके अंदर दी गई है। लाइट भी इसके अंदर दी गई है, यहाँ से आप बंद चालू कर सकते हैं, खोख दिया गया है इसके अंदर, और यहाँ पर नहीं जगह, यहाँ पर जगह दी गई है ये अपना जैक वगैरह रखने का। और नीचे देखते हैं, नीचे आपको स्पेयर व्हील आपको मिल जाता है 16 इंची के प्रॉपर साइज का ही, और यहाँ पर अपनी जैक वगैरह रखने के लिए सिस्टमेटिक जगह भी दी गई है। चलो इसको बंद कर देते हैं, ये चलो भाई यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे अपनी स्पेस जगह इतनी मिल जाती है, कुशनिंग आपको यहाँ मिल जाती है, पावर विंडो, डोर ऑफ क्रोम डोर ओपनर मिल जाता है। पीछे बैठते हैं, पीछे कैसी क्या जगह है, पीछे आपको ऐसी मिल जाती है, इस पर ड्राइवर अनुसार सीट एडजस्ट है, और ये अपनी AC वेंट, दो चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ मिल, एक USB मिलेगा, एक सी टाइप मिलेगा, ये आप देख सकते हो, एक USB एक सी टाइप, ऐसा आपको डैशबोर्ड एरिया मिल जाता है, काफ़ी शानदार डैशबोर्ड एरिया इसके अंदर मिल जाता है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। देखो एक चीज़ बताऊँ, ब्रेजा शुरू से ही क्वालिटी और पर्पस के मामले में बिनर रही है। सनरूफ आपको यहाँ मिल जाता है, ये देख सकते हो आप, ये सनरूफ, ये चीज़ है बढ़िया, मल्टी फंक्शन सनरूफ इसके अंदर मिलता है। ग्रैप हैंडल आपको यहाँ मिलते हैं कोट हुक के साथ, यहाँ पे ग्रैप हैंडल मिलता है प्लस कोट हुक के साथ। आइए यहाँ पे भी आपको 3 किलो तक का एक हुक मिल जाता है, ना कि बेस मॉडल से लेके टॉप मॉडल आपको ये सेम ही मिलता ही मिलता है। सीट बेल्ट आपको मिलते हैं, सीट बेल्ट आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाते हैं,
दोनों साइड के, दोनों साइड के हाइड एस्टर सीट बेल्ट मिलते हैं। चलो ड्राइवर साइड डोर खोल के देखते हैं कैसा क्या, कैसा क्या नहीं है। हाँ भाई, ऑल फोर पावर विंडो, मेरा एडजस्ट करने का लीवर, चारों पावर विंडो, ऑटो डाउन और ऑटो अप एंची पिंच के साथ में, ठीक है। एंची पिंच सिस्टम इसलिए आता है भाई, बच्चे वगैरह का हाथ किसी दिन आ जाता तो वो अपने आप नीचे विंडो हो जाती है। मैक पॉकेट यहाँ मिल जाती है, बोटल ड्रा मिल जाता है, स्पीकर आपको यहाँ मिल जाता है, टूटर आपको यहाँ मिल जाता है। ये सीट की प्लेसमेंट देखते हैं, ऊपर नीचे सीट कर सकते हो, है बैक एडजस्ट करने के लिए, विंग प्लेट और अपनी टाइपर इंफॉर्मेशन, सीट बेल्ट रिमाइंडर के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। पैडल देख सकते हैं आप, तीन पैडल आपको यहाँ मिलेंगे, मैनुअल में आपको तीन पैडल मिलेंगे, ऑटोमेटिक में आपको दो मिलेंगे। डेड पैडल आपको बेस मॉडल से प्रोवाइड कराया जाता है, यहाँ से भरेंगे पेट्रोल, यहाँ से भरेंगे अपना, सॉरी यहाँ से अपना हुड खोलेंगे, यहाँ से अपना पेट्रोल अपना भरेंगे। ये देखते हैं भाई, यहाँ है पूरी कहानी इस गाड़ी की भाई। ये अपनी लेवल एडजस्ट करने के लिए यहाँ के लिए, और एच ओ डी वाला सिस्टम ये जैसा, उसको 363 दबा कर रखेंगे ना, बंद हो गया भाई। 3 सेकंड दबा कर रहोगे आपका ऑन हो जाएगा, 3 सेकंड दबा कर रहोगे आप अपना ऑन हो जाएगा। इसके बारे में बाद में आएंगे क्या क्या दिखाता है। 360 कैमरा वाला बटन यहाँ मिल जाता है, ये वाला ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, ये अपना बीम एडजस्ट के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन ये मिल जाता है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल का अपना एडजस्ट थ्रस्टर बटन आपको ये वाला मिल जाता है, एडजस्ट थ्रस्टर बटन ये मिल जाता है। चाबी आपको ऐसे मिलती है, सेम ही गाड़ी मिलती है, लेकिन आप बताओगे यहाँ से आपको सेम मिलती है लेकिन नेक्सा की आती ना भाई, वो रेड ब्लैक टाइप की आती है, ये अपनी ब्लू टाइप की आती है। ये काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ की कहानी पूरी हो गई। ये अपनी ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आपको यहाँ मिल जाता है, ये अपने एच ओ डी वगैरह का। चलो भाई अब लगाते हैं गेट और थोड़ा इधर देखते हैं भाई इसमें क्या क्या है। वेरी गुड, 3-स्पोक स्टेयरिंग, सबसे पहले इसका स्विफ्ट में ही आया था, आपको पता है 2018 के अंदर स्विफ्ट आई थी, वही वाला स्टेयरिंग व्हील इसके अंदर भी आता है। क्रूज कंट्रोल इसके अंदर आते हैं, स्टिक माउंटिंग कंट्रोल इसके अंदर है, फोन वॉइस कमांड का फीचर इसके अंदर भी आता है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक क्रूज कंट्रोल आता है, यहाँ पूरा हो गया। एयरबैग की प्लेसमेंट बताओ, 6 एयरबैग इसके अंदर आते हैं, ABS EBD आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल इसके अंदर, ब्रेक असिस्ट आता है, ये अच्छी बात है। 60 कैमरा यहाँ से बंद कर देते हैं एक बार भाई, तू बंद हो जा, अरे हो जाना यार, दबा के बंद होगा, नहीं नहीं यहाँ ये बंद हो गया, हो गया भाई, नहीं ऑप्शन है एक बार अब तो हो जा, अब ये बंद हो गया, चलो कर देंगे इसको तो। ये भाई म्यूजिक सिस्टम 9 इंची का, जो सपोर्ट करा वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और USB ऑक्स केबल सपोर्ट नहीं करता है। सेटिंग मामले में जाते हैं भाई, सेटिंग दिखाता हूँ, सबसे पहले दिखाता हूँ क्या चीज़ में आपको एंड्रॉयड ऑटो। Hi, what can I do for you? हाँ भाई सुन ली मैंने तेरी बात, हाँ अरे हट जा भाई, यहाँ पे आएंगे एंड्रॉयड ऑटो वगैरह का सिस्टम यहाँ पे ऑन हो गया है सारी चीज़ें, ठीक है। सेटिंग में गए, यहाँ पे आएंगे म्यूजिक सिस्टम के लिए, अपना म्यूजिक बम वॉइस बना सेटिंग वगैरह कर सकते हैं यहाँ से, कौन से मोड अपने चलानी है, कौन से मोड नहीं चलानी, ये म्यूजिक ट्रैवल के लिए अपना ये वाला आता है। चलो ख़त्म हो गया, इसमें वॉइस कमांड सिस्टम यहाँ पे ही आता है, आपको पता ही है, सुना दे भाई कुछ तो बोल, हेलो ओपन सनरूफ, ये सूजी के नक्शे होगा, पता नहीं अब कैसे क्या होता है, ऊपर वाला जाना है, एप्पल से होता है, अच्छा 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 अच्छा, मोबाइल कनेक्ट होने से होता है। चलो यहाँ रख देते हैं, वायरलेस आपको चार्जिंग पैड मिल जाता है, 12B का चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ मिल जाता है, लेकिन अब आपको बताता हूँ ये वायरलेस चार्ज कैसे काम करता है। आपको देखता हूँ मेन्यू में कब चार्जिंग पोर्ट आता है, लेकिन इसका जो वायरलेस वाला सिस्टम है ना भाई, यहीं कहीं लगा के इसी के लगा देते हैं, लेकिन ब्रेजा के अंदर ऐसा नहीं है, ये डेडिकेट अपना कंपनी ब्रेजा अलग से दिया है। USB का पोर्ट आपको यहाँ दिया है, टिक टिक बंद हो जाए यार, सॉरी आई डिडंट गेट दैट, अब बोला है, अब बोला है, बंद हो जा, है ना। USB का पोर्ट आपको यहाँ मिल जाता है, ऑटोमेटिक AC आपको V वेरिएंट से मिल जाएगी, BXI से, और LXI में आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट नहीं मिलती है। कूलिंग कैपेसिटी की बात करूँ भाई, कूलिंग कैपेसिटी इसके अंदर शानदार है, 2 AC पॉइंट आपको यहाँ मिल जाते हैं, एक वहाँ मिल जाते हैं, और जो सिल्वर कलर का जो स्टैंड है ना भाई, आपको कौन सी गाड़ी से आ जाता है भाई, आप समझ सकते हो, अगर वीडियो देखी होगी तो VXI से ही अपना V वाला जो पैटर्न है ना, सिल्वर कलर यहाँ से लेके यहाँ तक अपना पूरा कम्प्लीट हो जाता है। यहाँ कहानी पूरी हो चुकी है, ये भी पूरी हो गई है, अपने हेडलाइट का बटन आपको यहाँ मिलता है, ऑटो डिविंग ओवर में मिलता है, आप देख सकते हो ऑटो डिविंग मिलेगा, सनग्लास होल्डर ये तो पहचानी बनी रही है, रीडिंग लाइट आपको यहाँ मिल जाती है, सनरूफ के कंट्रोल माइक आपको यहाँ मिल जाते हैं दो, सनसेट पर वैनिटी मिरर मिलता है कि नहीं मिलता है, हाँ भाई मिलता है विथ लाइट के साथ, यहाँ से लाइट जल जाती है भाई, हाँ ये लाइट के साथ मिलता है, ये भी आप देख सकते हो मिरर बॉक्स लाइट,
ठीक है, यहाँ से बंद कर, वुमेंस के लिए काफ़ी काम आता है, यहाँ मिलती है, यहाँ नहीं मिलता भाई, टिकट होल्डर मिलता है, लेकिन जो भी काम में ले रखा है आप देख सकते हो, वो भी काम में ले रखा है, इसको देख सकते हो, हम यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है। यहाँ देखते हैं भाई, ये है भाई मल्टी स्पोक MID, जो मारुति भाई सब गाड़ियों में देती है यही वाले लगा के, जो एक चीज़ बताऊँ सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फीचर जो दिखाती है भाई मारुति की MID दिखाती है, मैं बताता हूँ आपको, गिनते चलना। यहाँ पे दिखाती माइलेज, यहाँ पे दिखाएगी आपको गाड़ी किस किस टॉर्क में चल रही, कैसे दिखाएगी वो दिखाएगी, यहाँ पे दिखाएगी गाड़ी कितने किलोमीटर कितने घंटे में कितनी चली है गाड़ी, यहाँ पे दिखाएगी आपको जितना गाड़ी चला चुकी है इतनी गाड़ी खड़ी कितनी है, रेंज बताता है यहाँ पे, ये अपनी मिरर अपनी क्लॉक हो गई, ये अपनी टॉर्क आया, देखें आप देखना, देखो कंपास टाइप का ये अपना टॉर्क आ गया। सबसे पहला जो MID आई थी भाई ये बात थी मारुति सुजुकी बलेनो में आई थी, उसके बाद सारी गाड़ी में उन्होंने MID सबसे पहले बलेनो में आई थी। इधर मिलता है स्पीडोमीटर, इधर मिलता है भाई अपना टैकोमीटर, और इधर से आप कंट्रोल करेंगे भाई, यहाँ से कर यहाँ कहाँ से कंट्रोल होगा भाई, ये तो निकल गया क्या ये, अरे यही होता है टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ियों में, यहाँ से ये निकाल ले, क्योंकि निकाल ले यार इसको यार ये चलो दोनों भाई, तो टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ियाँ यही होता है, अब भी जानते एक से एक चलाते बंदा कहाँ तक ध्यान देगा, ये चीज़ है ठीक है। ये दिखाता अपने किलोमीटर, यहाँ से किलोमीटर दिखाता है अपना, ये माइलेज वगैरह के लिए अपना ये वाला काम में आता है। चलो काफ़ी अच्छी बात है, पूरी यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है। हैंड ब्रेक आपको मैंने दिखाई दिया, ये हैंड ब्रेक मिलता है, 5 स्पीड गियर बेलोस मिलता है, ऑटोमेटिक में आपको 6 स्पीड मिल जाता है, ग्लोबॉक्स आपको सेगमेंट भाई सबसे भाई बिग साइज अपना ग्लोबॉक्स मिल जाता है यहाँ पे, और विथ कूल्ड ग्लोबॉक्स के साथ भी है, क्या बात है, कूल्ड ग्लोबॉक्स मिलेगा आपको यहाँ पर, यहाँ पर अपनी बोल्डर गोल्ड्रिंक वगैरह अपनी जब हिसाब से ठंडा कर सकते हो इसके अंदर, पूरा हो गया। और भी आपको ऐसे मिलते हैं टर्न एडजस्टेबल है अपना, ओ हो क्या बात है, काफ़ी बड़ा है ये तो यार, वेरी गुड, अच्छा मारुति कुछ तो देने लगी है, कप होल्डर दो दिए, आ हा हा स्लाइडेबल भी दिया है, वेरी गुड, ये बात ये अच्छी बात है, ड्राइविंग करते समय आपको ये टेंशन की ज़रूरत नहीं है। चलो भाई अब खोलते हैं इसका भाई इंजन भी कैसा है कैसा नहीं है, दिखाते भाई 1500 cc का इंजन, यहाँ से खोलेगा अपना पेट्रोल का लीवर और यहाँ से खोलेगा अपना हुड का लीवर, वेरी गुड। यहाँ भरेंगे भाई 40 लीटर पेट्रोल टैंक आता है, लेकिन 45 समथिंग इसके अंदर है, 40 लीटर के अंदर बहुत चलती है भाई, ये लगा देते हैं, बिल्ड क्वालिटी भी इसकी अच्छी है ना, ये बड़ी अच्छी बात है, इसको पहले बंद कर लेते हैं उसके बाद आपको तो खाता हूँ, सूसू करती रहेगी ये। सूसू ये करती रहेगी नहीं तो ये। भाई वजन है 4 स्टार ऐसे ही नहीं मिले इसको, ये है भाई के सीरीज 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, जो पावर जनरेट करता है 103 bhp टॉर्क जनरेट करेगा, 137 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा ये, और माइलेज की बात करूँ 21 km कंपनी क्लेम करती है, सिटी में आपको 18-19 दे देती है, बैटरी आपको यहाँ मिल जाती है काफ़ी बड़ी बैटरी, ABS यूनिट इधर मिल जाता है, ये अपना ABS यूनिट मिल जाता है, ये अपने वाईफाई फ्लूड के लिए, अपना बैक लेवल के लिए सारी चीज़ें, और टॉर्क वगैरह चाहिए और सारी चीज़ आपको डिस्प्ले पर डाल दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको, CNG में भी आती है और पेट्रोल में भी आती है, CNG का भी डाल दूंगा एक साइड आपको, पेट्रोल का भी डाल दूंगा, दोनों में डाल दूंगा, लेकिन CNG के अंदर आपको मिलेगी ZXI वेरिएंट में और अपनी VXI वेरिएंट में और अपनी LXI वेरिएंट में, टॉप मॉडल में आपको CNG नहीं मिलेगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक सी यू सून, हैव अ नाइस डे।